भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगभग 9 महीने से पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। वो इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन से वापसी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में धोनी की वापसी का इंतजार भी बढ़ गया है। उनकी वापसी को लेकर कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व क्रिकेटर अपनी राय देते आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग में माही के साथ खेलने वाले हरभजन सिंह ने कहा कि अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहे तो उन्हें टीम में जरूर रखना चाहिए। हरभजन ने कहा कि धोनी इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्हें IPL की फॉर्म के आधार पर परखा नहीं जा सकता। CSK के लिए खेलने वाले हरभजन ने कहा, धोनी को आप कैसे परख सकते हैं? आप उनकी IPL फॉर्म देखेंगे या उन्हें सम्मान दोगे या इस बात को ध्यान में रखोगे कि वो भारत के महानतम खिलाड़ियों और कप्तानों में से एक है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है। हरभजन ने आगे कहा, धोनी बड़े खिलाड़ी है, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि वो योग्य है या नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको धोनी की जरूरत है और वो उपलब्ध हैं तो आपको उन्हें चुनना चाहिए। हरभजन ने साथ ही कहा कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को T20 विश्व कप की टीम में होना चाहिए, वो मैच जिताने वाला खिलाड़ी है। धोनी ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेला था, तब टीम इंडिया हार कर बाहर हो गई थी। माही ने उसके बाद क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। दूसरी ओर हार्दिक चोट के कारण बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी मैच सितंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच के तौर पर खेला था। हरभजन ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को IPL की फॉर्म के आधार पर परखा नहीं जा सकता। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।